देखिए बच्चों, आप सर के क्लास में स्वागत है। ये फिजिक्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं मेनी टाइम्स। पहला जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इफ इन एस इजकल टू दिया है बच्चों, एस इजकल टू दिया है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक, यदि s मीटर में हो तो c का मात्रक बताएं, और t सेकेंड में है और c का आपसे क्या पूछ रहा है, मात्रक। s बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, s इज मेजर इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द यूनिट ऑफ c इज तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के बनाने का कंसेप्ट क्या है, जब जिसका यूनिट पूछे ना, देखिए अगर राइट साइड में प्लस प्लस में दिया हो और लेफ्ट में एक टर्म दिया हो, तो जो लेफ्ट वाला टर्म होता है ना, राइट के प्लस या माइनस दिया हो प्रत्येक पद के बराबर होता है। जैसे एस बराबर ए हो जाएगा, एस बराबर बी टी का यूनिट होगा, एस बराबर सी टी स्क्वायर का यूनिट होगा, क्योंकि यूनिट या डायमेंशन निकालने के लिए कहे तो ऐड में तो यूनिट या डायमेंशन चेंज होता नहीं है, ऐड में सेम यूनिट डायमेंशन रहेगा तभी ऐड होता है। तो अलग अलग पद के क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एस बराबर, हमको सी है तो सी वाला टर्म बराबर कर देंगे सी टी स्क्वायर। अब यहाँ से सी बराबर हो जाएगा बच्चों एस बटा में टी स्क्वायर। अगर बी का पूछता ना तो एस बराबर बी टी कर देते, अगर ए का पूछता तो एस बराबर ए कर देते। अब यहाँ से हमको सी का पूछ रहा है तो सी बराबर निकाल दिए, इसको दिया है मीटर में और टी को दिया है सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड के पावर माइनस दो, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में जहां भी थोड़ा न्यूमेरिकल पूछता है वहां पर ये क्वेश्चन हमेशा क्या किए जाते हैं बच्चों, पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिया है, वन कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड कवर्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड इज। कह रहा है बच्चों, एक सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार 20 दूरी एक कार दूरी का एक तिहाई भाग 20 किलोमीटर से तथा से 60 किलोमीटर से तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात करें। क्या करना है बच्चों, जिसे देखिए इसमें ना कह रहा है ना कि जो कुल दूरी है उसका एक तिहाई, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स मीटर, तो उसमें से एक तिहाई माने एक्स बटा तीन, तो शेष कितना बचा 2x/3, इतना जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 किलोमीटर प्रति, ये जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो औसत चाल। तो एवरेज स्पीड का सूत्र होता है बच्चों, एवरेज स्पीड औसत चाल कुल दूरी, तो टोटल डिस्टेंस तो x हो गया बटा में टोटल समय, तो समय कैसे निकलेगा, दूरी बटा चाल। अरे इस दूरी को 20 से कवर किया है तो इतना बटा इतना करेंगे तो x/60 हो जाएगा, x/60 प्लस ये समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो 2x/36 = 120 या x/2x/3 = 60 180 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो x तो ऊपर होगा, नीचे हो जाएगा 180 एलसीएम होगा तो 60 से कटेगा 3x प्लस 180 कटेगा 2x, 180 ऊपर चला जाएगा तो x गुणे 180 बटा में 3 दो 5x हो जाएगा, x से x कटेगा, 5 से कटेगा ये तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करें। अगला जो क्वेश्चन दिया था सब पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अगला जो है बच्चों, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स दिया है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 9:1, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफियरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। तो देखिए बच्चों, दो तरंगों के तीव्रता का अनुपात 9:1 के अनुपात में है और ये व्यतिकरण उत्पन्न कर रही है, तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, इंटेंसिटी माने I1 रेशियो I2 दिया है, कितना दिया है आपको, आपको दिया है 9:1, तो इसको लिख सकते हैं I1/I2, लिख सकते हैं 9/1 लिख सकते हैं। अब जो आई मैक्स होता है ना बच्चों, आई मैक्स जो होता है इंटेंसिटी का जो महत्तम मान होता है, जिसे वो होता है आई मैक्स बटा आई मीन जो पूछ रहा है, मीन माने न्यूनतम, वो होता है √I1 + √I2 होल स्क्वायर। अगर करेंगे तो मैक्सिमम देता है, इंटेंसिटी से इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान, आयाम कहता तो A1 + A2 सिर्फ हो जाता, ठीक, I1 - I2 कर देंगे होल स्क्वायर, जो ज़्यादा हो घटा करके। तो अब यहाँ से करेंगे तो देखिए, यहाँ हो जाएगा I1 की जगह 9 लिखेंगे तो 3 और 1 का वर्गमूल 1, 3 × 1 = 4, अबाटा में होल स्क्वायर हो जाएगा, अबाटा में 3 - 1 = 2। ध्यान से समझे, I1 के जगह 9 रखेंगे तो स्क्वायर रूट निकलेगा वर्गमूल तो 3 होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 रखेंगे तो 1 होगा, 3 × 1 = 4, और यहाँ 3 और 1 घटेगा तो 2, तो यहाँ से हो गया 16/2 × 4, तो 4:1 मीन्स 4:1 आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4:1। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन बनाए, अगला जो क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन दिया है, ये फेमस थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों। ये पूछता है ना कि 1 kW = 1 kW किसके बराबर होता है, 1 kW = 1 kW घंटा किसके बराबर होता है। अगर जूल में बदलना हो बच्चों तो किलोवाट घंटा है, तो किलो का मतलब होता है 1000 गुणे, वाट को लिखते हैं जूल बटा सेकेंड होता है, वाट का मतलब जूल बटा सेकेंड होता है, और इसको घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 60 × 60, तो यहाँ से सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो कितना जूल हो गया, 36 × 10³² 5 जूल। अब मान लीजिए 36 × 10³ जूल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था थ्योरिटिकल ही क्वेश्चन था और वो न्यूमेरिकल थे, तो ऐसे कंसेप्ट और एक एक कंसेप्ट के लिए पूरा कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा थ्योरी जो कंसेप्ट होता है कि फिजिक्स क्या होता है, कैसे समझ में आता है, एक एक बताया गया है, वहाँ से पढ़ें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं और फाइनल सेलेक्शन लें। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों पूछ रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है बच्चों पूछता है व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसके विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है, विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है, विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है। कह रहा है जब स्पीड विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज होता है बच्चों E बाई एम, क्या होता है E बाई एम, E बाई एम होता है। स्पेसिफिक जो चार्ज होता है E बाई एम होता है, E बाई एम होता है स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज माने विशिष्ट आवेश E बाई एम। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तब उसके विशिष्ट चार्ज क्या हो गए। तब वेग बढ़ता है बच्चों, जब वेग बढ़ता है तो वेग से विशिष्ट आवेश का क्या संबंध है, तो देखिए वेग बढ़ने का मतलब कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। जब इस तो देखिए विशिष्ट आवेश में क्या होगा कि मास बढ़ने लगेगा, मास क्या होगा बच्चों बढ़ने लगेगा, और जब मास बढ़ेगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो विशिष्ट आवेश क्या होता है घटता है, डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद।